शर्मा चुनाव जीत गए हैं और 1,02,000 अधिक वोटों से अनुराग शर्मा ने यह विजय प्राप्त की है। प्रदीप जैन आदित्य ने कांटे की टक्कर दी, परिणाम अनुराग शर्मा के फेवर में गया। अनुराग शर्मा को कहीं ना कहीं उनकी साफ छवि और उनके कामकाज पर जनता ने मोहर दी। भीतरघाती एक्टिव थे, पार्टी के भीतर के लोग एक्टिव थे, लेकिन जब जनता साथ खड़ी हो तो परिणाम कुछ ऐसे ही आते जो आते हुए हम लोगों ने देखे। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का मैजिक कम होता हुआ नजर आया है। समाजवादी पार्टी का क्रेज बड़ा है, या ये कहें कि ऊपर लेवल पर जो नीतियां चलाई गई पिछले 5 साल में, वहां कहीं ना कहीं जनता नाराज नजर आई। 1 साल के भीतर जो कुछ हुआ है उससे भी नाराजगी बड़ी है। परिणाम जरूर बीजेपी के फेवर में झांसी ललितपुर में आया है, लेकिन एक चेतावनी और एक संदेश देता हुआ नजर आया। कैलाश जी हमारे साथ जो लगातार चुनाव पर हमारे साथ रहे, चर्चा करते रहे, और उन्होंने भी कहा था कि हम जीत रहे हैं, 400 पार का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम झांसी जीत रहे हैं, अनुराग शर्मा सांसद बन रहे हैं, सरकार मोदी बनाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। और जो जो बोला था वो उसी प्रकार का परिणाम भी आया है। लगभग 99.99% हम लोगों के एग्जिट पोल जो अनुमान थे वो सिद्ध सही होते हुए नजर आए हैं। अब हमारे साथ हैं कैलाश रंजन जी, इसे चर्चा करते हैं। पहले सर शुभकामनाएं आपके लिए, आपने मेहनत की और परिणाम आपके फेवर में आया। सर्वप्रथम मैं आपको सम्माननीय पंडित अनुराग शर्मा जी की ओर से, सम्माननीय मोदी जी की ओर से और अपनी ओर से इस चुनाव की बेला जो निपट चुकी है उन सभी में आपने जो हमारा साथ दिया और सच्चाई का साथ दिया उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद। इसके साथ में आपने जो अब मुझसे चुनाव वोटिंग के पहले पूछा था जी, जो चीज़ मेरे द्वारा बताई गई थी कि प्रणाम माननीय मोदी जी के और हमारे पंडित अनुराग शर्मा जी के पक्ष में आएंगे, लेकिन ये जरूर है संघर्ष ज़्यादा है। उस संघर्ष का आपको पता है, तो आपने अभी अभी एक बात कही है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। समाजवादी पार्टी को बहुमत खुद का नहीं मिला है, समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मतदाता था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हो गया बड़े पैमाने पर। बड़े क्या मैं कह सकता हूँ कि दलित हरजन वोट जिसको कहते हैं वो 90% उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र। क्या कारण रहा है इसका? कारण तो आपको मैंने पिछले बार भी बताया था कि लोगों ने अफवाह फैलाई संविधान को लेकर उसका वो कर देंगे, चेंज कर देंगे, आपका आरक्षण चला जाएगा, आपकी सुविधाएं चली जाएंगी, जबकि सम्माननीय मोदी जी आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं कि गरीबों को आगे लाओ, गरीबों को सुविधाएं दो। लेकिन चूंकि अफवाह जब फैलती है तो जो गरीब आदमी होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वो एकजुट बहुत जल्दी होता है और उस बात को सही मान लेता है, इसलिए वो ट्रांसफ़र हुआ है। और जो भी उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, जनता जनार्दन की सेवा की, धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहे, योजनाएं बहुत चली, दादागिरी समाप्त की, गुंडागिरी समाप्त की, लेकिन इन सब चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी के मतदाता ने अपने स्वार्थ और हक के को देखते हुए इसको कमज़ोर माना, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता समाजवादी पार्टी में या पीडीए जो भी गठबंधन उसके साथ चला गया, गठबंधन इंडिया गठबंधन में चला गया। अच्छा कैलाश जी, ललितपुर की स्थिति चूंकि आप लगातार देख रहे थे, पूरे जिला पंचायत सदस्य आपके साथ लगे रहे, जो आपके नहीं थे उन्हें भी पार्टी में शामिल कराया ताकि एकजुटता के साथ काम कर सकें, एक बारी की एक प्लानिंग की गई, वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं सफल भी नजर आए हैं। हर जगह से वोट बढ़ा है, जहाँ कम वोट मिलता था वहाँ ज़्यादा वोट मिला है। देखिए जिला पंचायत सदस्य जैसे ग्राम प्रधान उस ग्राम की जड़ होती है, जिला पंचायत सदस्य उस क्षेत्र का, जो जिला पंचायत का क्षेत्र का जहाँ से वो चुना जाता है उसकी जड़ बनता है, जड़ है वो, अपने क्षेत्र में जिला पंचायत से बजट लेके काम कराता है, जनता के बीच रहता है। मैंने यही योजना बनाई थी कि मेरे 15 सदस्य हैं जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के पहले से, तो वो शामिल किए
उन लोगों ने पूरे क्षेत्र में अपने, मैंने कहा था कि आपको दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाना है, जो आपका जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र है उस 30 गांव 40 गांव है उसी में रहना है। वो लोग उसमें एक एक दो दो बार गए, किसी की समस्या हुई उसका निराकरण मेरे द्वारा किया गया, विकास की समस्या है उसको सुना गया हो, उसको कराया गया और आगे कराया, आश्वासन भी दिया गया है। तो उन्होंने अच्छी मेहनत की और मैंने माननीय पंडित अनुराग शर्मा जी से कहा था कि हमारी जिला पंचायत के सदस्य 100% आपको जिताएंगे और बहुत काफ़ी वोटों से जिताएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि जो वोट हम लोगों ने दिलाया मेहनत करके, मेहनत की, लेकिन जो तीसरी पार्टी में वोट जाता था वो भी NDA गठबंधन में शामिल हो गया, तो हम लोग कुछ पीछे हो गए। मैं अभी माननीय सांसद जी से मिला था परसों, उनका अभिनंदन करने गया था, मैंने कहा था माननीय सांसद जी आप 1,02,000 वोट से नहीं जीते हैं यहाँ से विधानसभा लोकसभा, आप 5,10,000 से जीते हैं, 5 गुना वोटों से आज की परिस्थिति को देखते हुए जीते हैं। चलो परिस्थितियाँ पहले से बहुत सही है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग चले गए, हार गए, लेकिन ललितपुर ज़िले ने, हमारे जिला पंचायत के सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 70,000 अकेले ललितपुर ज़िले से जीत दी, जबकि 2 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाएं झांसी ज़िले में हैं, वहां पर उन 3 विधानसभाओं ने हार जीत के बाद 32,000 कुछ वोटों से जीत दर्ज कराई। लेकिन कहीं ना कहीं ललितपुर के साथ सोतेला व्यवहार होता है, सियासी के आके थोप दे जाते हैं, कुर्सियां नहीं मिलत बीजेपी के नेतन के लाए, ललितपुर कन के लाए। भाभी अनुराग शर्मा सीखेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे? ऐसा नहीं है, चूंकि ये बात थोड़ी बहुत तो सही है, मैं मानता हूँ ललितपुर के लोगों ने हमेशा साथ दिया बीजेपी। हमारे शर्मा जी ने इन 5 सालों में ललितपुर जिले की जो तस्वीर बल दी है विकास के रूप में, वो इस पर साफ भी दिख रहा है कामकाज में, वो किसी सांसद ने अभी तक नहीं बदला। गुंडागर्दी को बड़ा, मेरी एक जैन समाज के नेता से बहस हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि 2009 में माननीय हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी चुने गए, वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने जी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एक पत्थर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का हो, चाहे वो उनका समर्थक हो, चाहे जानकार हो, ललितपुर ज़िले में, झांसी मिनी में कह रहा हूँ, ललितपुर ज़िले में एक पत्थर ऐतिहासिक बता दे कि हमारे द्वारा ये बड़ा काम ललितपुर ज़िले के हित में कराया गया, बुंदेलखंड पैकेज की। लेकिन पंडित अनुराग शर्मा ने 7-8 काम ऐसे करा दिए कि उनके चरण स्मरणीय रहेंगे, हमेशा इतिहास में लिखे जाएंगे, वो पत्थर लगे हुए वो ललितपुर वालों ने सपने में नहीं सोचा था। अब तो सांसद बन गए, पुराने कामन पे जनता ने वोट दिया था, अब आगे कछु हुई है कि नहीं हुई है? ना, सांसद जी को सब काम कराना है, वो भले आदमी है, गलतियां से सुधार है कि नहीं सुधार है, पुराने ढंगों चला रहे, उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की भाई, ठीक है गांव-गांव नहीं जा पाते हैं, तो सांसद गांव-गांव कभी नहीं जा सकता, अभी भी नहीं जा पाएंगे, समस्या है तो सांसद सुन ले वे लोगों की, तो लाइट नहीं आ रही, जाम लग रहा हो, एक नेता को पता नहीं है जब ललितपुर की स्थिति है, जो ललितपुर ने सांसद बना था उस गांव ललितपुर की लाइट की स्थिति नहीं सुधर पा रही, पानी की स्थिति नहीं सुधर पा रही। इस सरकार में 24 घंटा 12 घंटा नहीं 24 घंटा 20 घंटा 18 घंटा लाइट मिली, आदत बिगड़ गई, 1 किलोवाट का मीटर लगवाए, 5 किलोवाट का लोड दे रहे, घर घर में फ्रिज हो गए, गरीबियों के घर में फ्रिज हो गए, एसी हो गए, मशीनें हो गई, अरे वे काय की कपड़ा धोत की मशीनें हो गई, लोड है नहीं, लोड दोनों होगा पूरे ललितपुर जिले में, इसलिए लाइट कटौती होती है, वरना लाइट की कोई कमी नहीं है। दूसरा कोई समस्या मुझे तो लगती है ललितपुर में बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं तो हिंदुस्तान में का घर में भी होती है, छोटा सा घर होता है उसमें भी कोई ना कोई समस्या बनी जाती है। वैसे कोई सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी जी के राज में भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी समाप्त हो गई। अच्छा, योगी जी के राज में ही अयोध्या हार गए, मतलब फैजाबाद हार गए, अयोध्या शहर जीते हैं 4,000 वोटन से। एक बाबा आए आज अपने तुम्हें, उनने कही कि अयोध्या को बदनाम नहीं करो, हम 4,000 से अयोध्या तो जीते हैं, फैजाबाद सीट हार गए, तो ऊखो का के हो जो राम के नाम पर बटोरे जा रहा हो, तो अब राम ही ने कही नहीं नहीं तो मैं राजनीतिक से जो घमंड बढ़ गया उसको सुधार जरूर दें हम। देखिए ऐसा है, राजनीतिक घमंड की बात नहीं है, ये तो जनता की सोच है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में या संगठन में किसी चीज़ को लेके कमी गई होगी, और 10 साल हो गए तो थोड़ी नाराजगी भी हुई है, और ये तो निश्चित है कि जनता जनार्दन
कहीं ना कहीं नाराज हूँ। जनता जो हिंदुत्व सनातनी धर्म की जनता है, इनका सीधा फंडा है कि भगवान को कम मानो, हमारा जेब खर्च चलाओ, है ना। हम ये जानते हैं कि जो हमारे कट्टरवादी लोग हैं, अल्पसंख्यक, वो इतने पक्के धर्म के प्रति होते हैं कि वो नाराज हो गए देश में तो हो गए, भारतीय जनता पार्टी को एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू ऐसे होते हैं तुरंत वोट दे देंगे, नाराज हो गए तो भगवान के नाम पर कभी अपने पिताजी के नाम पर नहीं देते। तो जनता कहीं ना कहीं नाराज हो गई। एक एकता नहीं है हिंदू सनातनी दोनों लोगों में। अगर सनातनी लोगों में एकता रहे ना तो उनको भगवान के नाम पे देना चाहिए। इतना बड़ा काम मोदी और योगी जी ने कराया है, कभी नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, जनता ने आशीर्वाद दो मोदी जी को, पूरा बहुमत नहीं त्रिसंघ सरकार बन रही, लेकिन कहीं ना कहीं 10 साल में जो माया कहेंगे सुबह से शाम तारीफ को की सुनते नहीं थे मोदी जी, अब तक चेहरा उतरे उतरे नजर आ रहा। पहली बार ऐसा हो रहा हूँ कि जीती पार्टी हारो महसूस कर रही हो, जो हारी है वहाँ करी हम जीत गए। ऐसा है जैसे हम बैठे हैं, हमने दिन भर मेहनत करी जनहित में, जनहित में जितनी मेहनत मोदी जी ने की उसका जनता जनार्दन के द्वारा पुरस्कार कम दिया गया, ये तो वास्तविकता है। आप देख रहे हैं मोदी जी ने 400 पार ही चाहे थे पूरे, 400 नहीं, मोदी जी ने देश के हित में, जनता के हित में, वो कह रहे हैं हम अपनी जिंदगी खपा देंगे, वो खपा रहे। उनके कोई बुझे तो है नहीं कि उन्हें कोई लालच हो, थैला लेकर चले जाना था जिधर, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका परिणाम कमजोर दिया। कभी कभी हम भी गुस्सा में आ जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और लोग वहाँ फिर भी हमारी बात नहीं मानते। निश्चित रूप से है थोड़ा बहुत, तो या तो अगर माना भगवान तो है नहीं। अच्छा, आखिरी तरफ बढ़े पन, प्रदीप जैन आदित्य के बारे में अनुराग शर्मा झुर्रा के बोले, या कहें कि अंदर से जो कुंठा आती पूरे चुनाव में, जो प्रदीप जैन आदित्य पीछे पड़े रहे, परेशान करके रख दो, पसीना छुड़वा दो अनुराग शर्मा जैसे नेतन को, तो अब प्रदीप जैन के बारे में जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि प्रदीप जैन आदित्य नौटंकी करत, बूचड़ खान दो, केवल झांसी के अलावा कछु नहीं दो, तो नौटंकी वाद नेता है प्रदीप जैन आदित्य का। अब देखो, अब होगा चुनाव, चुनाव के पहला तो किसी की भी कोई बात करो चुनाव में निकल जाए, चूँकि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो उनसे जा तो नहीं कह सकते नौटंकी बाज हैं, लेकिन जनता पहले जा कत्ती के भी नौटंकी बाज हैं, उसके बाद भी अगर नौटंकी बाज थे तो ललितपुर जिला की जनता ने और झांसी जिला की जनता ने नौटंकी करे वाय को इतने वोट दे दें। नौटंकी आप जानो पहले ब्याह शादी में होती नौटंकी, भीड़ जुटावेगी, लेकिन अपन जा नहीं कह सका तो नौटंकी बाज है, लेकिन अब जनता जनार्दन कथे तो कछु भी मान लू। वोट तो मिले, अच्छा खासा वोट तो यार इतनी टक्कर दई है ना, लेकिन वोट मिल गए बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अध्यक्ष जी एक चीज और बड़ी दिलचस्प रही चुनाव में, चूंकि हम झांसी भी, मतलब सागर, झांसी, गुना, टीकमगढ़, ये चार ही लोकसभा घूमी, लेकिन जो मजा इस चुनाव में इतने आओ वो कहीं नहीं देखने मिले, बड़ी दिलचस्पी के साथ। बीजेपी वाई भी नहीं सोच रहे कि हम जीत के आ रहे। जब टक्कर चाहे पहलवानी में हो, चाहे चुनाव में हो, चाहे किसी भी चीज में अच्छी टक्कर हो ना, जब क्रिकेट के मैदान में कई पांच गेंदें बची और 10 रन बचे तो फिर आदमी बड़ा इंटरेस्ट से देखता है उसको। तुम्हारे जिला अध्यक्ष हार गए अपनी वार्ड, बीजेपी के ही नेता, बड़े बड़े नेता अपने वार्ड हार गए, ऊपर कहा क्यों? देखो, हमारी भी जिला ग्राम मिर्चवारा जो पोलिंग है वो 123 वोट से जीती है, लेकिन अखबार वाले ने चाहे जागरण हो चाहे अमर उजाला हो बिना देखे सोचे समझे डाल दी जिला। अरे हुमर फैला दो तो क्या, अध्यक्ष की तो हार जिला पंचायत अध्यक्ष की पोलिंग हारी, उनने देखे ही नहीं है, उनको पर हमने बताया, किसी ने स्पष्टीकरण निकाला, किसी ने निकाला ही नहीं। तो आजकल होच पोच है की जीती की हारी, राजकुमार चूना को हारे के नहीं हारे। अब चूना जी की पोलिंग जो जैन समाज की हुई है वहाँ तो हारी हुई, सरला जैन को हारे। अब आप लोग कह रहे हैं कि हारे तो हारो, और हमारा तो भैया जीते को हारो बना। 25 वार्ड कैसे हार गए शहर के? देखो, 25 वार्ड में जो जिसका परंपरागत वोट है, जातिगत वोट है, वो उस वार्ड में था, वो हार जातिवादी होगा तो, और जातिवादी तो है ही चुनाव, कितना नहीं है जातिवादी, चाहे ललितपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे झांसी हो, चाहे। लेकिन जातिवादी हो वे अनुराग शर्मा को फायदा हो, देखिए हमें तो क्या, जैसे ब्राह्मण ने 100% 95% वोट तो थे, जातिवादी को नहीं भाव काम, वही वजह से जीत गए और जीता नहीं होगा। महाराजन ने खूब वोट दिया गुरु जी आप लोगों ने, तो अनुराग शर्मा विजय बहेंगे, कैलाश जी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की, और कुछ और नया कुछ कहेंगे और कुछ नहीं करने वाले। सुनो गुरु, ऐसा है हम तो कामतानाथ के भक्त हैं, कथा भी कराने और हनुमान जी तुमन सरकार ने हमने बोल दी थी 25 तारीख को जीतने तो है, हम कथा कराएंगे
अच्छा भंडारा कराएंगे, शर्मा जी जीत गए। अनुराग आएंगे नहीं आए? शर्मा जी आएंगे। अच्छा। नहीं आएंगे रे, या भगवान की तो भक्त झांसी के पत्रकारों को ज्यादा सादा हम लोगों को पूछते ही नहीं है। तुम्हें भी तुम्हें देखो घर को परसा इंदे आई रात, तुम्हें या ब्राह्मण से तुम्हें पूछा रही है, दूसरी बिरादरी के पत्रकार होते पूछते डर तो है सबको भैया सर, लेकिन भले आदमी डर आप जैसे अच्छा परिणाम आओ। अनुराग शर्मा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं, और वास्तविकता में जो 9 साल में ललितपुर बदली पे हम लोग लगातार नजर भी रखे हैं। 10 साल में जिन मुद्दन को हम लोगों ने उठाया उन मुद्दन पे काम भी हो रहा, आने वाले 5 साल कोई विपक्ष में हो चाहे नहीं हो, सौरभ महाराज पूरी तरीके से विपक्ष में अनुराग शर्मा के भी में, और जिते जिते जनहित के मुद्दे हो तो हम ठाड़े नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सांसद बनावे के लिए। जय हो बजरंगबली।